थाने की पुलिस टीम ने शातिर पशु तस्करों के गैंग पर शिकंजा कसा है। पुलिस टीम ने तस्करों से मुठभेड़ के दौरान सरगना समेत 5 पशु तस्कर और 2 बाल आबचारी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 2 गोवंश, 1 अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 1 चाकू बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान इजमामुल खान पुत्र जहांगीर खान निवासी रामपुर धौताल थाना तरकुलवा जनपद देवरिया, तौसीफ आलम पुत्र गुलाम वारिस निवासी सिमरा हरदो थाना कुबेरस्थान, जुगनू अंसारी पुत्र रबल्लू अंसारी निवासी पतिया थाना कसिया, शेर मोहम्मद पुत्र स्वर्गीय इकबाल निवासी रसूलपुर थाना हाटा, अजरुद्दीन शाह पुत्र हकीक शाह निवासी पतिया थाना कसिया जनपद कुशीनगर और 2 बाल आबचारी अभियुक्तों के रूप में हुई है। इस संबंध में सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान कैंट पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पशु तस्करों द्वारा पुलिस टीम के ऊपर पिकअप चढ़ाने का प्रयास किया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने सिंगरिया इलाके में पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। सभी पशु तस्कर कुशीनगर और देवरिया जिले के रहने वाले हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, कल रात्रि में कैंट पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान गौ तस्करी के 7 आरोपियों को पकड़े गए, जिसमें 2 बाल अपचारी थे, 5 व्यक्ति पड़े थे, इनके पास अवैध असलाह भी थे, 1 पिकअप भी इनसे बरामद हुई है। और ये जैसे ही जानवर चढ़ा रहे थे, जैसे पुलिस पहुंची तो जानवर छोड़ के तो भाग गए, जानवर उतर गए, लेकिन पुलिस में सभी 7 लोगों को पकड़ लिया। आज सभी 7 लोगों पे एक मुठभेड़ भी पुलिस के साथ हुई, तो उस दौरान पुलिस ने पकड़ा, सभी 7 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। सर, इन्हें कहाँ से गिरफ्तार किया गया है और ये कहाँ ले जाते थे तस्करी? ये इंजीनियरिंग कॉलेज क्षेत्र से इनके गिरफ्तार किया गया है। ज्यादातर कुशीनगर तरफ ले जाते थे, वहाँ से बिहार और अन्य प्रांतों में ये सब चीज ले जाते थे। रहने वाले कहाँ से बताए? अधिकतर कुशीनगर के ही रहने वाले हैं।